हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू उपासना मैजिक मोमेंट चैनल एंड उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं आज बना लिया फ्रेश मटर की पराठा। ये वाला पराठा बहुत टेस्टी होता है, बच्चे लोग टिफिन में बहुत अच्छे से खाएगा। आप ऑफिस पे इसको कैरी कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत लाइट वेट होता है। तो कैसे हम मटर पराठा को घर पर आसानी से बना सकते हैं, चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू उपासना मैजिक मोमेंट चैनल एंड उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आज आप लोगों के सामने बनाने जा रही हूँ हमारे सब लोगों की पसंद मटर शुटी का पराठा या मटर का पराठा। आप लोगों ने मटर का कचौड़ी बहुत सारा लोग ने खाया होगा, आलू मटर का सब्जी भी खाया है और मटर से मलाई मेथी मटर भी खाया है, पर आज मैं बना रही हूँ एकदम यूनिक तरीके से मटर पराठा। ये मटर पराठा एकदम आसान तरीके से मैं बनाऊँगी, जिस तरीके से मैं बनाऊँगी इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता है। तो देर किस बात की, चलिए देख लेते हैं कितनी आसान तरीके से हम बना सकते हैं। तो मटर पराठा बनाने के लिए पहले मैंने इधर ले लिया है एक मिक्सर ग्राइंडर की जार, जिसके अंदर हमें मटर और ये जो ग्रीन चिली मैंने लिया है उसको मैंने डाला है। उसके साथ साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे हल्का सा सॉल्ट और उसके साथ ही इधर मैंने ले लिया है एक स्पाइस मिक्सचर। इसके अंदर है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, उसके साथ साथ है चाट मसाला, अचारी मसाला, सब कुछ इसके अंदर है। तो चलिए पहले हम मटर को एक पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट बनाने के लिए मटर का पेस्ट और हल्का सा हम पानी भी यूज़ करेंगे इसके अंदर, हल्का सा पानी इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद हम इसकी मदद से जो मैदा है उसको बनाएंगे। तो चलिए पहले मटर को पीस लेते हैं। तो मटर पराठा बनाने के लिए इधर मैंने ले लिया है 200 ग्राम बराबर मैदा, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे 5-6 पराठा आराम से बन जाएगा। और इधर मैंने बना लिया है मटर का पेस्ट, जो मटर का पेस्ट हम पूरा इसके अंदर डाल लेंगे। जैसे मैंने बोला ही था बहुत ही इजी तरीके से हम दिखाएंगे आप लोगों को, इससे इजी तरीका हो ही नहीं सकता है। आपको मटर का स्टफिंग्स भी बनाना नहीं होगा और कुछ भी बनाना नहीं होगा, बस इजी तरीके से आप इस मटर पराठा को बना लें। और इस मटर का जो पेस्ट है इसकी मदद से आटा को अच्छे से गूंथ लें। इसके बाद अगर ज़रूरत होगी तो पानी डालें वरना नहीं। इसके अंदर मसाला भी है तो पराठा भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा, मिर्चा भी है तो मिर्चा का बैलेंस भी रहेगा। तो चलिए ऐसे हम मटर पराठा को बना लेते हैं। इसका डो का मिक्सचर कैसे बनाते हैं दिखा देते हैं हम। आज आप लोगों को पराठा कैसे बेलते हैं वो नहीं दिखाएंगे, इससे कामों का वीडियो बड़ा हो जाता है, सबको पराठा बेलना आता है तो इसलिए हम नहीं बनाए बताएंगे। तो बस ऐसे ही हम डो को चलिए बना लेते हैं, उसके बाद मटर पराठा का टेक्स्चर दिखाते हैं। तो देखिए इधर मैंने मटर पराठा का जो डो है अच्छे से बना दिया, डो भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा करके लोइया निकालेंगे, इसके हम थोड़ा थोड़ा करके लोइया निकालेंगे। तो देखिए इधर से हम छोटा छोटा लोइया निकाल रहे हैं, इससे भी पराठा बहुत अच्छे बनेगा। तीनों लोइया इससे निकल गया है और इससे भी छोटा छोटा करके लोइया को निकालते हैं। पहले आटा को अच्छे से मसल लेते हैं, ये मटर का पराठा बहुत ही अच्छे खाने में होती है और स्कूल की टिफिन में या कुछ भी जल्दी खाने का चीज़ में अब इस मटर पराठा को दे सकते हैं। देखिए इधर हमने ऐसी बस लोइया को तोड़ लिया है, चलिए इसे पराठा बेल लेते हैं, उसके बाद आपको फ्राइंग करना दिखाते हैं। तो देखिए इधर मैंने कढ़ाई को बैठा लिया है पराठा फ्राई करने के लिए और इधर देखिए मैंने मटर का पराठा कितने अच्छे से बना लिया है। मैंने अच्छे से मटर का पराठा को बेल लिया है, अब हम एक एक करके मटर का पराठा को फ्राई करेंगे। तो पहले ऑयल को गर्म मैंने कर लिया है, अब हम इसके ऊपर पराठा डालेंगे। तो देखिए इधर मैंने पराठा को फ्राई कर रहे हैं। पराठा हमेशा छोटा साइज़ का बनाना चाहिए, ज़्यादा बड़ा साइज़ का पराठा नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए इधर मैंने पराठा को बना लिया है और अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर ऑयल डाल रहे हैं। पराठा को ऑयल के साथ फ्राई कर रहे हैं। तो चलिए ऐसे ही हम फ्राई करते जाएंगे।
पराठा को बना रहे हैं। जितना घर में गर्म पराठा मटर का बन रहा है, मटर का जैसे कचौड़ी अच्छा होता है ऐसे पराठा भी बहुत अच्छे होते हैं। यही कितनी अच्छे से हम पराठा को बना रहे हैं। ऐसी है पराठा को फ्राई करते जाएंगे, ऐसे ही हम धीरे धीरे इसको सकेंगे। ये वाला पराठा बन चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। चलिए हम दूसरा वाला पराठा डालते हैं। पहले हम ये वाला पराठा डाल लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा वाला पराठा डालते हैं। आस्ते आस्ते इसको फ्राई करते हैं। तो देखिए ऐसे ही हम इधर हमारा पराठा तैयार हो रहा है। ये थोड़ा सा हल्का सा लाल हो चुका है, तो इधर हम धीरे धीरे करके पराठा को फ्राई करेंगे। ठंडे दिमाग से पराठा फ्राई करते हुए दिमाग ठंडा होना चाहिए। इसको बस ऐसे हम थोड़ा सा पोर्शन निकाल लेंगे और इसको ऐसे हम साइड कर देंगे। अब हम इसको अपोजिट साइड में फ्राई करेंगे, इसको भी ऐसे फ्राई करेंगे। हल्का सा फ्राई करते वक्त टेम्परेचर को हाई रखेंगे। हाई टेम्परेचर को पराठा हमेशा अच्छे बनते हैं। अब हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद जिस साइड से तेल लगाया है उस साइड को अपोजिट साइड में कर देंगे, मतलब जिधर पैन है उस साइड पे कर देंगे। अब हम ये वाला साइड पे तेल लगाया, जैसे मैंने इधर तेल लगाया इस साइड को इधर कढ़ाई है साइड पे कढ़ाई है तेल लगा उस साइड पे कर देंगे। अब हम ये वाला साइड पे तेल लगाएंगे हल्का सा। जैसे ये तेल लगा लिया कढ़ाई जिस साइड है उस साइड पे कर देंगे। अब हम ये पराठा को भी पलटेंगे और हम लास्ट वाला जो साइड है उस साइड पे तेल लगाएंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने तेल पे ब्रश कर लिया है। अब हम इसको पलटेंगे। अब धीरे धीरे पराठा को फ्राई करते देते हैं। अब दोनों पराठा को ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। तो पहले ऐसे हम धीरे धीरे पराठा को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को सर्विंग दिखाते हैं। तो देखिए ऐसे ही हम दोनों पराठा को बना लिया है। टेम्परेचर को लो कर देंगे और चलिए लास्ट सेट का पराठा भी बना लेते हैं। तो देखिए इधर हमारा गर्मा गर्म मटर की पराठा बनके तैयार है और मैं इसको सर्व कर रही हूँ एक मटर की दाना के साथ। आप भी इस मटर पराठा को घर पे बनाएं, विंटर जा रहा है, इसके अंदर में ही आप मटर का जो फ्रेश पराठा है उसको बना लीजिए। देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी खाने में टेस्टी हुआ है। इस पराठा सिर्फ अचार के साथ आप खा सकते हैं। मैं जी जब इस पराठा का रेसिपी डिस्क्रिप्शन लिंक पर डालूँगी तब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आलू मटर का सब्जी, मेथी मटर का सब्जी और उसके साथ मैंने बहुत सारा अचार का रेसिपी भी डाल दूँगी। ज़रूर उस डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज विदा चाहती हूँ, बाय।